ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। वहां से गाओ, वहां से गाओ, तुम वहां से गाओ। ओए ओए अंताक्षरी चढ़ ले गया साले, फटाफट डायलॉग लो मैंने भगा दूंगा से। चलिए सॉरी सर, सॉरी, थोड़ा फ्लो में आ गया था, सॉरी। फ्लो चांद, सितारे, फूल और खुशबू, इस पॉल्यूशन में क्यों नहीं नजर आती तू? थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे घोंदले का है, थैंक यू। तो दोस्तों, मुसद्दी की बैठक के पहले एपिसोड की 18,000 व्यूज की अपार सफलता के बाद मैं लेकर आ गया हूँ एक और ब्रांड न्यू एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम बुलाने वाले हैं उन्हें जो वैसे तो साल भर ही चर्चाओं में छाए रहते हैं, लेकिन खास तौर पर दिवाली के दौरान हर इंसान की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम टाइमलाइन पर छा जाते हैं। तो बिना देर करे बुलाते हैं नन अदरन मिस्टर पॉलिशन हिमसेल्फ। नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। आप ये बताइए कि कैसा लग रहा है सर हमारे स्टूडियो में आके? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम झका। ये मादरचोद, इका लगाए बे, साला मारने की प्लानिंग किया है क्या? नहीं सर, घबराइए मत, नकली है, प्लास्टिक का। प्लास्टिक है? आई लव प्लास्टिक, वरना होनी तो गांड ही फट गया था। और भोसड़ी के तुम हमको नहीं बुलाते तो हम यहाँ नहीं आ पाते क्या? नहीं नहीं सर, वैसे भी आपको कौन बुलाता है, आप तो बिना बुलाए जाते हैं। क्या बोले, कब क्या बोले बे? नहीं सर कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था सवाल जवाब शुरू कर दें। हाँ फटाफट पूछिए, कहा है कि हमको दूसरे एरिया में भी जाना है, फैल जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो मिस्टर पॉल्यूशन, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप आते कहाँ से हैं? चुतिया हो कब? चले स्कूल गए हो कभी के नहीं? चला हम आते नहीं हैं, बुलाए जाते हैं, तुम जैसा चुतिया लोग बुलाते हो हमको, समझे? और इस बात के लिए हम थैंक यू। चला तुम हो तो हम हैं गुरु। मान लिया सर कि आपको हम लोग बुलाते हैं, पर यार त्योहारों पे आके त्योहार तो मत खराब करा करो ना। मैं क्या बोले? साला भोसरी के, अगर हम त्योहार हम खराब कर रहे होते ना तो साला ये बैन वैन होने की वजह से भी लोग पटाखा नहीं छोड़ रहे होते, समझे? साला एक बात बताओ, तुमको त्योहार के टाइम पे ही हमारी क्यों याद आती है बे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पर यार इस टाइम में थोड़ा ज़्यादा भी तो हो जाते हो, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, धुआं ही धुआं हो रखा हर तरफ। ये तो धुआं होने से दिक्कत है का? और साला तुम बहुत ही हराम के ज़्यादा हो, साला नाश्ते वक्त फ्लोर पर धुआं धुआं चाहिए होता है तुमको, और साला गाने में ये धुआं धुआं सा रहने दो, साला गाने में धुआं धुआं चाहिए, और साला ये तुम्हें क्लब पब में साला हुक्का खींचना होता है, और साला दिवाली के टाइम पे धुआं होता है तो तुम गाने में घुस रहा है बे। पूछिए, चेंज द टॉपिक, चेंज द टॉपिक सर, चेंज, थोड़ा मूड लाइट करते हैं। सर आप यही बता दीजिए ना, मतलब आप पीछे से कहाँ से हैं, बैकग्राउंड वाइज? एक्चुअली हम विदेशी हैं, फॉरेन। क्या बात कर रहे हैं? विदेश हो, हमारे दादा परदादा लोग हमको बताए थे कि ये जो हमारे ये यूरोप अमेरिका है ना, इधर से हम यहाँ पर आए थे। क्या बात है। अब जब यहाँ आए तो यहाँ के लोगों ने हमें बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया। हमारे ये कजन ब्रदर, कौन ये नॉइस पोल्यूशन, कजन सिस्टर वाटर पोल्यूशन, ये सब जब हमारे यहाँ पे आए, हमारी पूरी फैमिली यहाँ पर आई तो इनको बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, तो बस यही कह कर रह गए। लेकिन ये यशराज की फिल्मों में जब हम यूरोप को देखते हैं ना, इतना साफ साफ बहुत ही याद आती, लेकिन फिर सोचते हैं जब इतना प्यार और इसने यहाँ मिल रहा है तो इसे छोड़कर कहाँ जाएं? क्या बात है सर, क्या बात है। एक सवाल सर, थोड़ा पर्सनल है सर, आपने कहा कि आप विदेशी हैं तो ये थोड़ी ये भोजपुरी लैंग्वेज है? हाँ, ये मिर्जापुर का क्रेज, मिर्जापुर का फीवर है, थोड़ा सेक्सी लगता है। ये तो है। फैल जाएंगे। काफी सही सर, मतलब देशभक्ति है आपके अंदर, गद्दारी नहीं है बिल्कुल भी। अरे गद्दार होते तो यहाँ के लोगों में पाकिस्तान नहीं छोड़ाते। क्या काय रहने देती है। काफी फनी है सर आप। फैल जाए। अगला सवाल पूछते हैं सर। सर आप ना अपना थोड़ा स्ट्रगल भी बता दीजिए, क्या होता है ना थोड़ा सा वीडियो में इमोशनल एंगल आया था ना तो लोग शेयर कर जाते हैं, थोड़ा सेंटी हो गए ना, थोड़ा व्यूज भी आते हैं हमारे भी। गुरु देखो, आज जिस मुकाम पर हम पहुंचे हैं ना, यहाँ पहुंचने में बहुत ही मेहनत लगी आपकी।
भाई हमारा भी मन करता है कि हम गांव जाएं, पहाड़ों में रहें, पर क्या है कि वहाँ पेड़ वगैरह बहुत है, एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, तो हम वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते। पर काफ़ी बंदे हैं अपने उधर जो हमें वहाँ पहुँचाने में मदद कर रहे हैं। ये क्या है कि कूड़ा फेंकते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं, तो ये सब में वो बहुत ही मदद कर रहे हैं। इस साल साला टारगेट थोड़ा पीछे रह गया लॉकडाउन की वजह से, लेकिन बड़ा बोल नहीं बोलेंगे साला, अगले साल के एंड तक पूरा अच्छा जाएंगे, मीडिया कवरेज मिलेगा साला हमको, देख लीजिएगा। सर अब इसके लिए शुभकामनाएं भी नहीं दे सकते आपको तो, लेकिन सर आप बुरा मत मानना, लेकिन आपकी वजह से दिक्कत बहुत होती है लोग, मतलब बच्चों को, बूढ़ों को, जानवरों को। क्या बोले बोसरी के? मैंने क्या हूँ मैं क्यों कहूँ ऐसा सर? ये आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, अभी दिवाली गई है तो लोगों ने यही सब लिखा हुआ है, आप खुद देख लीजिए। मैं क्यों दिखा कहूं? दिखा अरे ये जला हम जानते हैं इन लोगों को सबको। हाँ ये प्रियंका, जानते प्रियंका को? नंबर मिलेगा? नहीं, ये कहती है दिस स्मोक इज किलिंग मी, हमको अस्थमा है। अरे बहनचोद दिन का 14 सिगरेट फूकती है, ये सारा चिमनी जैसा लोग ये कहता है जो कि साला जानवरों को हमसे दिक्कत होता है, इनका साला को बायो देखो जाके, साला लिखा होता है आई लव चिकन, बिरयानी इज लव। इस साला सोशल मीडिया का लोडू लोग सब दोगला है, सब गिरगिट है बहनचोद। नहीं सर देखिए ऐसा भी नहीं है, ये तो आम जनता की बात है, बड़े बड़े लोगों ने ये कहा है, फिल्म स्टार, क्रिकेटर, सेलिब्रिटी सब ने बोला कि भाई पोल्यूशन दूर करना है, पटाखे ना फोड़ो। अरे ये सब लोग साला तेल साबुन बेचे तो ही अच्छा है, साला अपने अवार्ड फंक्शन में खूब आतिशबाजी करता है, खूब पटाखा छोड़ता है, खूब डांस करता है। ये साला क्रिकेटर लोग क्रिकेट के मैदान में खूब छक्का चौका मार के ट्रॉफी जीतता है, खूब जश्न मनाता है, एक बार भी याद नहीं आता तब। और तुम भुसरी के, तुम काहे वकील बन रहे हो इनका है? साला मुंह पर ऐसा धुआं फेंक के मारेंगे बहनचोद, ऑक्सीजन रास्ता भूल जाएगा नाक का, किधर से घुसे शरीर में, समझे? यार ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं? सही तो कर रहे हैं सर, आपको जब करना हो बदतमीजी आप करिए, आपको कोई मना नहीं है, और तुम भी कुछ कर लो, बैठे रहते हो खाली। थैंक यू ना, इज्जत देते हो ना। चा? आप इतना बोल रहे हो कि मतलब मैं छाया रहता हूँ, हर जगह मैं ही छाया हुआ हूँ, आप साल भर तो दिखते नहीं हो, दिवाली पे आके हर जगह छा जाते हो। और सुनो बे, अब हम वो पॉल्यूशन नहीं है जो लिबिर लिबिर करते थे, अब हम बन गए हैं इंडियाज मोस्ट वांटेड, किंग ऑफ इंडिया, फ्रंट पेज, प्राइम टाइम, हर जगह हम रही चर्चे हैं, समझे? और ज्यादा चौधर बकोगे ना तो साला यही पटक के चोदते हैं मदर चोद, और कमरे में ऐसे फैल जाएंगे हर जगह, साला खांसते खांसते कान फूल जाएगा तुम्हारा, समझे? पानी वानी दो इसको ना, आप इज्जत करते हैं ना, इज्जत देते हैं, और सैलरी तो कोई भी नहीं देता, कर ले लो यार। सर वायलेंस क्यों करते हैं? प्यार से सवाल जवाब कर लेते हैं। ज़्यादा गांड काहे फुला रहे हो बे, सवाल पूछे ना चुपचाप। ठीक है सर, सर आज आप इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, मतलब पूरी दुनिया आपकी ताकत का लोहा मानती है। क्या बोले? लोहा, माँ का सामान लोहा बोला? नहीं नहीं ठीक है, लोहा बोला तो ठीक। हाँ मैं लगा नहीं नहीं सर, मैं थैंक यू सर, मतलब आप इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए, इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया आपने, तो आपकी कामयाबी के पीछे श्रेय किसको जाता? किसको क्या, सबका ही श्रेय है इसमें तो। अब देखिए इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, वैसे तो कायदे से धुआं डायरेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए बिना फिल्टर के, लेकिन छोड़ता है, काहे सिस्टम छूट देता है। ये गाड़ियाँ, ये साला इको फ्रेंडली का चोद भी आ गया है, लेकिन फिर भी पब्लिक का सपोर्ट है, हमको दबा के गाड़ियाँ चला रहा है, साला कूड़ा फेंकना, प्लास्टिक फेंकना, फुल सपोर्ट है हमको, पब्लिक का, सिस्टम का, तुम जैसे चूतियों का। चप्पल दे जरा। चप्पल कहाँ ले रहे हो बे? चुप चुप, क्या चूतिया बना रखा है क्या है? सबसे बड़ा तू ही है क्या? पता है हमें, हम गलतियां करते हैं लेकिन हम लोग सीख भी रहे हैं। तब से भैया कर जा रहा है ये वो, सर एयर प्यूरीफायर लगा के मारूंगा ना भोसले की, नहीं मर जाएगा चढ़ पक्के। चल एकदम, एक काम कर तू, खिड़किया खोल सारी है वो, तू एयर प्यूरीफायर चला, चल चल वो एग्जॉस्ट चला, तू साला ही बता दूँ तेरे को। राकेश राग भाग भाग सर, भाग जा रहे हैं, जा रहे हैं, ये भी ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कैसे इस पॉल्यूशन के बच्चे को मैंने अपने शो पर बुलाकर कर दिया बेइज्जत, निकाल दी इसकी हवा और कर दिया इसे स्टूडियो से दफा।
थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। और ये सारा दोष हम पे डाल रहा है कि हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं, हमारी वजह से ही हो रहा है। मतलब हम अपने त्यौहार क्यों खराब करेंगे हैं? बताओ भाई कौन है ये अंदर सिगरेट पी रहा है? तो भाई 2 मिनट रुक जा, साथ में सुट्टा मार लेंगे। दोस्तों आप बिल्कुल घबराए नहीं, ये पॉल्यूशन की हवा बहुत नॉर्मल हवा होती है, इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। आप सावधान रहें, आप बिल्कुल डरे नहीं, सावधान रहें। उम्मीद करते हैं एक छोटा सा हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो क्या करना है, वही 2-3 चीज़ें, लाइक कर दो, अच्छा लगता है लाइक्स देख के, कमेंट्स कर दो, कमेंट में बताओ अच्छा लगा, क्या चीज़ से आप सहमत हैं, किस चीज़ से आप सहमत नहीं हैं, शेयर करके अपने दोस्तों को दिखाएं और लोगों को दिखाएं, जो दोस्त नहीं है उनको भी दिखाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, प्लीज़ यार, प्लीज़।